हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आजकल हमें समझ नहीं आता कि रोज़ क्या क्या बनाएं, रोज़ हरी सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल की सब्जी, और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी सोचेंगे कि हफ्ते में तो एक बार ये सब्जी बननी ही चाहिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कटोरी दाल को भिगो दिया था ये 4 से 5 घंटे पहले। तो एक कटोरी दाल थी तो करीब ये अब 1.5 कटोरी हो गई है, मतलब भीगने के बाद। तो अब इसको हम जार में इसको अच्छे से हम इसको पीसेंगे। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसमें 4-5 में मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, 1 पिंच डाल रही हूँ अदरक, और 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक। अब इसको हम अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा जरजरा पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए एकदम से मैंने पेस्ट इसका बना लिया है, मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था। अब इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। और ये सब्जी बहुत ही झटपट से बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी में से एक है ये। और ये सब्जी जैसे बारिश के टाइम पे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 मैंने प्याज ले लिया था, और 2 टमाटर लिया है, 2 छोटे मीडियम साइज के टमाटर हैं ये। और इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और 1 पिंच डाल रही हूँ अदरक, इसका भी स्मूथ से एक मैं पेस्ट बना लूँगी इसका। ये देखिए एकदम से पेस्ट इसका अच्छे से बन चुका है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, और तेल जो है मीडियम फ्लेम पे, हाई मीडियम फ्लेम पे गर्म हो गया है। अब इसको हम छोटी छोटी बढ़िया जैसे डालते हैं उसी तरह से मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी बढ़िया एक ही बार में डाल दी थी। अब इसको मीडियम से हाई फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। अभी काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गई हैं ये। अब मैं इसको अलग से निकाल लेती हूँ छन्नी में। इसको आप सब्जी भी कह सकते हैं, इसको कढ़ी भी कह सकते हैं, तो कई लोग इसको कढ़ी भी कहते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकाल दिया था, और 1 बड़ा चम्मच तेल डाला था, आधा चम्मच डाल दिया जीरा, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ हींग, और 2 तेज पत्ते डाल रही हूँ इसमें। इसको थोड़ा सा लाल और चटकने देते हैं हम। और जो हमने पेस्ट पीसा था प्याज और टमाटर का, वो इसमें अब ऐड कर देंगे। जितना भी बचा हुआ पेस्ट है वो भी हम एकदम से निकाल लेंगे इस जार में से। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको निकाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम में ये। अब इसमें मैं बेसिक से मसाले डालूंगी, जिसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच डाला है किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इस मसाले को हमें अच्छे से एकदम भूनना है इसे 1-2 मिनट के लिए। इसको मैं चला लेती हूँ, और अब मैं इसको ढक दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। ये मैं मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला जो है मेरा अच्छे से एकदम भुन चुका है, तेल जो एकदम सेपरेट हो गया है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, ये खट्टी दही है। अब फ्लेम एकदम लो कर देनी है, और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाना है, ताकि दही जो है हमारी फटे नहीं। फ्लेम ध्यान रखिएगा लो ही रखनी है, नहीं तो अगर तेज कर देंगे तो फटी फटी सी दही लगती है। तो फ्लेम लो करके ही दही को कंटिन्यू चलाना है। अब मैं इसको भी ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दही भी और मसाले जो है अच्छे से और पक जाए, तेल सेपरेट हो जाए एकदम।
ये देखिए हमारा जो मसाला है कितना अच्छा इसका कलर आया है, एकदम ऑयल जो है एकदम अच्छे से सेपरेट हो गया है। अभी एक बार हम चला लेते हैं। जितना मसाला आपका अच्छे से भुनेगा उतनी ही सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी एक मिनट के लिए मैं इसको और ढक देती हूँ। ये देखिए मसाला जो है कितने अच्छे से दिख रहा है ये। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी क्या कहते हैं पानी। अगर आप इसमें गर्म पानी डालेंगे तो भी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, और अगर आप नॉर्मल पानी डालते हैं तो भी सही रहेगा। तो मैं इसमें नॉर्मल पानी डाल रही हूँ। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अब मैं इसको ढक दूंगी मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो ऑयल है एकदम सेपरेट हो गया। अभी भी इसको भी हम पकाना पड़ेगा। ये बस चला के देख लेते हैं। अभी तो थोड़ी देर 1 मिनट के लिए मैंने खोल के पकाया है, और अभी ये जो मैंने पकौड़ियाँ हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें साथ ही साथ मैं डाल दूंगी हरा धनिया, ताकि इसका जो फ्लेवर है इसी के साथ अच्छे से आ जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। अब मैं इसको ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। ये पकौड़ियाँ जो है आराम से फूल जाएंगी। ये देखिए काफ़ी पकौड़ियाँ जो है फूल चुकी हैं। और अब मैं डाली हूँ नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखिएगा आपने पकौड़े में भी डाला था नमक मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालना है। एक बार हम चला लेते हैं। जैसे जैसे पकते जाएगा ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी ये बाद में, तो उसी के हिसाब से आपको ग्रेवी डालनी है। अगर आपकी ग्रेवी जो है काफ़ी पक जाती है तो आप इसमें बाद में गर्म पानी डालिएगा। अभी मैं इसको और पका देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए ग्रेवी जो है मेरी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। एक बार पकौड़े को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए पकौड़े जो है आराम से सॉफ्ट से एकदम से टूट रहे हैं ये। तो यानी कि हमारी जो सब्जी है रेडी हो चुकी है। और अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और मैं इसको सर्व कर लूँगी। और ये आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या परांठे के साथ खाइए, ये सब्जी हमेशा ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।